अभी कर लेते हैं बेडशीट चेंज। तो जी आज के व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है साफ़ सफाई से। बेड को मैंने अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लिया, इसकी बेडशीट मैंने चेंज कर दी। बेडशीट मैंने लेनी हर दफ़ा, मैं हर न्यू मंथ जब लगता है, जब सैलरी आती है तो मैं कहती हूँ कि बेडशीटें लेने जाऊँगी, लेकिन जब किचन का सामान और घर की बाकी चीज़ें लाती हूँ तो ये बेडशीटें रह ही जाती हैं। अब बेडशीटें सिर्फ और सिर्फ दो रह गई हैं और बाकी सारी फट फुट गई हैं। और यहाँ पे थोड़े बहुत ऐसे छोटे छोटे जाले जाले खड़े थे, वो उतार दिए। कोशिश की है पंखे को साफ़ करने की, थोड़ा बहुत वो हो गया, लेकिन यहाँ पे सीढ़ी लानी पड़ती है और इसको अच्छी तरह से साफ़ करना पड़ता है। तो जितना मुझसे हो सका मैंने कर दिया, अपने कमरे से शुरुआत की है मैंने सफाई की, कर दी कपड़े भी धोने। और इस चौधरी साहब को कोई देखे, ये कैसे मज़े से सोया हुआ है जी, इतने पाले पाले दांत हैं इसकी, जी देखें जी, इतना ये गंदा बच्चा है, इसको कोई फिकल ही नहीं होती किसी चीज़ की है। ये आराम से सोया हुआ, ये जब 4-5 घंटे सोएगा और फिर उठ के दूध पीना है और फिर उठ के बैठ जाएगा जी कि मुझे बोटी डालो। तो जी चलते हैं अभी ये बाकी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और मुझे भी दुआ में याद रखें। और आज की वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। घर के सारे अपने मैंने काम किए हैं जो कि आपके साथ शेयर किए हैं, और आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक ज़रूर करना, और जो न्यू आने वाले हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। यहाँ पे जी बन रहा है मेरी बेटी का नाश्ता, जो जी अब खुद ही बना लेती है। और इसने खाना भी तो ब्रेड और अंडा होता है, पराठा ये खाती नहीं, और इसको बनाना भी नहीं आता। आता है लेकिन गोल नहीं बना सकती, तो इसको मैं बहुत डांटती हूँ इस वजह से। फिर ये किचन में आती नहीं है क्योंकि आप मुझे बहुत डांटती हैं। ये बन गया इसका अंडा, और ब्रेड भी खुद ही बना लेगी। अभी काम वाम करना है, ये देखिए चूल्हा भी साफ़ करना है। और अभी फ़िलहाल कूड़े वाला आ चुका है, कूड़ा ले गया है, दूध वाला आ गया है, दूध बॉयल कर दिया मैंने। और ये देखिए इसको मैंने छेड़ छाड़ की है, ये उठ के आ गया, और यहाँ इसका दूध रखा हुआ था और दूध पी रहा है। और जी यहाँ पे मैंने कपड़े भी भिगो दिए क्योंकि सुबह सुबह मैं धो लेती हूँ कपड़े, बाकी काम करूँगी बाद में। जी जी मेरे पौधे, इसको मैंने काफ़ी दिनों से पानी नहीं दिया, इसको पानी लगाते हैं। ये है मनी प्लांट का पौधा केवल, और ये देखिए इतना ग्रो कर रहा है। ये गर्मियों में बहुत अच्छे से ग्रो करता है क्योंकि बारिश का पानी भी से लगता रहा है ना, और वैसे भी गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा फैलता है, सर्दियों में फिर सूख जाता है। यहाँ पे बन रहा है जी हमारा सालन, और ये देखें बुखड़ भी बैठा हुआ है यहाँ। और यहाँ पे बन रहे हैं बीफ, और बीफ भी डाला है इसमें, शिमला मिर्चें भी डाली हैं, और आलू भी डाले। यहाँ पे हमारा दोपहर का खाना तैयार हो रहा है। साथ में यहाँ पे रायते के लिए, ये देखिए ये दही आ गई रायते के लिए, और यहाँ पे प्याज, टमाटर और छोटी सी सब्ज़ मिर्ची की डंडी, वो भी डाल देंगे क्योंकि सब्ज़ मिर्चें बाहर से मैं लाई नहीं, और एक ही मेरे पास रखी थी, तो वही बस यहाँ पे खाना बन रहा है हमारा दोपहर का। और जैसे बनेगा फिर आपको फाइनल लुक दिखा दूँगी। तो जी यहाँ पे हमारे मज़ेदार से चावल हो चुके हैं तैयार। मुझे देखिए आज बिरयानी मसाला डाला है तो येलो येलो कलर आ रहा है, तो इसमें मिर्चें भी ज़्यादा होती हैं, बस अल्लाह करे मिर्चें ना हो। मैंने निकाले तो हैं थोड़े से, लेकिन गर्म बहुत है, अभी मैंने चेक नहीं किए, तो अल्लाह करेगा अच्छे होंगे। रायता भी बन गया, सालन भी बन गया। तो आज अभी यहाँ पे मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त, मिलेंगे कल अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।